पिछले क्लास में हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट किए थे, जिसमें कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म हम बता चुके हैं। तो आज हम पुनः कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म को एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि इसी कूलम्स लॉ के इर्द गिर्द पूरा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफाइन होगा, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कूलम्स लॉ को, हम पुनः रिपीट कर देते हैं। किसी भी मैग्नेट में दो पोल होता, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। साउथ पोल पे जो ध्रुव प्रबलता होता था ये माइनस एम, और नॉर्थ पोल पे जो ध्रुव प्रबलता होता था ये प्लस एम। एक बात और बता दें, इस मैग्नेट को कितनों टुकड़ा में तोड़ दें तो इसका कभी ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा डाइपोल होता। तो एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल आ ही जाएगा। इसको कितनों टुकड़ा में तोड़ दें, कोई बोलेगा सर इसको पुनः एक बार आप तोड़ दीजिए, तो याद रखेंगे इस मैग्नेट को 1000 टुकड़े में तोड़ दो, 5000 टुकड़े में तोड़ दो, 10000 टुकड़े में तोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों आता, क्योंकि इसके एक एक डोमेन में, या सिंपल मॉलिक्यूल्स की भाषा में समझे तो एक एक मॉलिक्यूल्स में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता। अगर इसको कितनों पार्ट में हम ब्रेक कर दें, कितनों पार्ट में ब्रेक कर दें, तो हमेशा दोनों पोल आएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैग्नेट। मतलब सिंपल एक साउथ पोल या नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट में हो ऐसा संभव नहीं होता है। तो हम बात करते हैं कि दो पोल यानी दो ध्रुव प्रबलता के बीच जो चुंबकीय बल लगता था, एक ध्रुव प्रबलता M1, दूसरा ध्रुव प्रबलता M2, और इन दोनों के बीच की दूरी R, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है ये बल F, ये बल क्या F, ये चुंबकीय बल जो F है ये F कितना होगा, ये बल F समानुपाती होगा M1 into M2, दोनों ध्रुव प्रबलता के गुणनफल का समानुपाती होता है। इन दोनों ध्रुव प्रबलता के बीच लगने वाला बल, जो बल का अमाउंट होगा, देखेंगे यहाँ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन का मतलब हो गया कि इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आएगा। तो ऑब्वियस मैग्नेट में आकर्षण बल और विकर्षण बल दोनों लगता है, तो इसके बल का जो परिमाण है, चाहे वो आकर्षण बल लगता हो या विकर्षण बल लगता हो, ये जो बल का परिमाण है ध्रुव प्रबलता के गुणनफल का समानुपाती होता, तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो एफ समानुपाती M1 M2 बटे आर स्क्वायर, एफ समानुपाती M1 M2 बटे आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती नियतांक के रूप में यहाँ K आएगा, तो K M1 M2 बटे आर स्क्वायर। अच्छा देखो ये K का वैल्यू यहाँ कितना आएगा, ये कांस्टेंट का वैल्यू है, यहाँ म्यूनोट बाई 4 पाया था, ये हवा या वैक्यूम के लिए इसका जो वैल्यू होता 10^-7 हेनरी पर मीटर होता था। तो एफ इक्वल टू हम बताए थे ये म्यूनोट बाई 4 पाए M1 M2 बटे आर स्क्वायर। ये जो म्यूनोट है ये किसके लिए आता था, इसके बारे में भी हम बात किए थे। ये एक टर्म चुंबकशीलता, क्या है चुंबकशीलता है, तो चुंबकशीलता को अंग्रेजी में परमिएबिलिटी कहते हैं, चुंबकशीलता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं परमिएबिलिटी कहते हैं। और ये परमिएबिलिटी क्या है, ये चुंबकशीलता किसी भी माध्यम का एक गुण है जो अपने से होकर के गुजरने वाली विद्युत बल रेखा, सॉरी जो अपने से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा को अनुमति देता या अनुमति प्राप्त करता। तो जो मतलब इट अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू इट, इट अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू इट। एफ इक्वल कितना होगा, तो म्यूनोट बाई 4 पाई M1 M2 बटे आर स्क्वायर, दोनों ध्रुव प्रबलता के गुणनफल तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होता। ये क्या चुंबकशीलता था, चुंबकशीलता किसी भी माध्यम का एक गुण था जो अपने से होकर के गुजरने वाली विद्युत बल, सॉरी चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा का क्या करता, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा को गुजरने की अनुमति देता। अब है ये बल था, ये चुंबकीय बल था, अब इसी में एक टर्म आता है चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, लगता है ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र,
ऐसे मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लें कि मोनोपोल अगर है, हम ये कंसीडर करते हैं कि एक पोल स्ट्रेंथ है जिसका पोल स्ट्रेंथ एम है, और इस पोल के चारों तरफ अपना एक फील्ड होता, जैसे आवेश, आवेश के चारों ओर का अपना एक क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश प्रवेश करता था तो उस पर एक विद्युतीय बल लगता था, तो उसी क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते थे। यहाँ मैग्नेट का एक पोल है, इस पोल के चारों ओर अपना एक क्षेत्र है, इस पोल के चारों ओर का अपना एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा मैग्नेट अगर प्रवेश करेगा तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा, उस पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से हम देखेंगे, किसी ध्रुव यानी पोल स्ट्रेंथ के चारों ओर का अपना एक क्षेत्र, या किसी भी मैग्नेट, मैग्नेट में तो पोल होता ही है, किसी मैग्नेट के चारों ओर का क्षेत्र या किसी ध्रुव के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी दूसरा मैग्नेट प्रवेश करेगा तो उस पर चुंबकीय बल आरोपित होगा, इसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अलग चीज़ होता, इसी में एक होता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन प्रायः हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी सिंपल चुंबकीय क्षेत्र कह के निकल जाते हैं। जैसे याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक्चुअल में अलग अलग चीज़ है, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग चीज़ है। विद्युत क्षेत्र क्या था, चारों ओर का अपना एक क्षेत्र था जिसमें कोई भी दूसरा आवेश प्रवेश करता था तो विद्युतीय बल लगता था। क्षेत्र की तीव्रता क्या होता था, तो एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते थे। तो वही हाल है, विद्युतीय क्षेत्र एक एरिया है, लेकिन इसमें यूनिट नॉर्थ पोल अगर हम रखें तो यूनिट नॉर्थ पोल अगर हो तो इस यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा इस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चलिए यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही हम लोग सिंपली चुंबकीय क्षेत्र कह के निकल जाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ही सिंपल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जैसे वहाँ कहते थे। अब बात है कि मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कैसे होगा, जैसे मान लीजिए ये एम ध्रुव प्रबलता है और इस एम ध्रुव प्रबलता पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगा ये एफ लगा, तो देखेंगे एम ध्रुव प्रबलता पे ने फोर्स एफ लगा, अगर इकाई ध्रुव प्रबलता होता तो फोर्स कितना लगता था, एफ बटे एम। तो इसी एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले बल के परिमाण को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और यही है बी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय एम। अंग्रेजी में अगर इसको डिफाइन करना हो तो एक लाइन में कह सकते हैं, इट इज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द यूनिट नॉर्थ पोल, इट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द यूनिट नॉर्थ पोल। जैसे मान लेंगे एम ध्रुव प्रबलता है तो एम ध्रुव प्रबलता पर जो फोर्स लगेगा ये एफ, तो एकांक ध्रुव प्रबलता पे जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा, एफ बटे एम। तो यूनिट एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले बल के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। एम ध्रुव प्रबलता पे जो फोर्स लगेगा एफ, इकाई ध्रुव प्रबलता पे जो फोर्स लगेगा एफ बटे एम, इसी को हम बी कहते हैं, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या, चुंबकीय क्षेत्र है एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के परिमाण को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं। इसी में चुंबकीय क्षेत्र के अगर मात्रक की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, तो देखेंगे एफ बल है तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, एम ध्रुव प्रबलता तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, तो इसी को हम लोग टेस्ला कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। और इसका अगर बीमा की बात करेंगे तो बीमा क्या होगा, न्यूटन के लिए बीमा एम एल टी पावर माइनस टू, ये न्यूटन बल है, और ये एम मीटर लेंथ है, तो लेंथ के लिए एल एल पावर माइनस वन, और एम्पियर ए ए पावर माइनस वन। अगर सबके लिए बीमा हम लिखें तो सबको जोड़ करके एम अकेले है तो अकेले एल पावर प्लस वन, यहाँ माइनस वन, तो एल पावर जीरो, टी पावर माइनस टू और ए पावर माइनस वन। तो अब देखेंगे ये चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा है और ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। अब हम बात करेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र को हमने डिफाइन कर दिया सिंपल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं, ये यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाले बल के परिमाण को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहे थे।
इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक टेस्ला होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल का। मैग्नेटिक पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय विभव। क्या कहते हैं? चुंबकीय विभव। ये चुंबकीय विभव क्या? तो हम एक नॉर्थ पोल लेते हैं और नॉर्थ पोल का जो ध्रुव प्रबलता है ये M है, तो इसके चारों ओर का एक क्षेत्र होगा जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो मान लेते हैं कि इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है और यही क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र है। यही क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल है। यूनिट नॉर्थ पोल यानी नॉर्थ पोल का एकांक उत्तरी ध्रुव है, ये यूनिट नॉर्थ पोल है और ये अनंत पे है। कहाँ है? अनंत पे। ये यूनिट नॉर्थ पोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे, तो जैसे यूनिट नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो ये नॉर्थ पोल को ये पोल स्ट्रेंथ क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये बाहर तरफ धक्का देगा तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर तरफ लगेगा। उसके बावजूद भी इसके अंदर हम खींच के लाएंगे dx, तो और किस पॉइंट तक लाएंगे? जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पॉइंट P तक लाएंगे और इन दोनों के बीच की दूरी r कर दें और ये ओरिजिन से यूनिट नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस है ये शुरुआत में x था। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल को पुनः हम एक बार डिफाइन कर लें, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरीके का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव का परिभाषा था, उसी तरीके का मैग्नेटिक पोटेंशियल का भी परिभाषा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या बोले थे? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कहलाता है। यहाँ चुंबकीय विभव है, तो वहाँ एकांक धन आवेश था। यहाँ एकांक धन आवेश की जगह एकांक उत्तरी ध्रुव है। यदि एकांक उत्तरी ध्रुव है, इसको अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एकांक उत्तरी ध्रुव को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर चुंबकीय विभव कहलाता है। उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? चुंबकीय विभव। जैसे देखें नॉर्थ पोल इसके फील्ड में जैसे इन करेगा तो ये बाहर तरफ धक्का देगा, उसके बावजूद भी हम खींच के लाते हैं तो एक्स्ट्रा वर्क कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और दोनों के बीच फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो यहाँ एंगल लगेगा 180 डिग्री का। अब इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। dW इक्वल टू क्या होगा? fdx cos थीटा। थीटा क्या? थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स बाहर और डिस्प्लेसमेंट अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल। dW इक्वल क्या होगा? fdx कॉस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू कितना होता? -1। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता? -1। तो dW इक्वल टू लिखेंगे fdx कॉस 180 -1, तो -fdx। तो f कितना होगा? f होगा μ0 बाई 4π m1 इंटू m2। तो m1 की जगह m और m2 की जगह 1, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यहाँ दोनों के बीच की दूरी क्या है? x है, तो x का स्क्वायर। तो ये μ0 बाई 4π m बाय x स्क्वायर। तो μ0 बाई 4π m1 इंटू m2, तो m1 m, m2 m1, तो m इंटू 1 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी। तो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये क्या होगा? -μ0 बाई 4π एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी को लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बॉथ साइड यानी दोनों ओर समाकलित करने पर दोनों ओर जैसे समाकलित करेंगे तो ये dW का इंटीग्रेशन, ये क्या होगा? μ0 बाई 4π ये m बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो dW का इंटीग्रेशन क्या होगा? W माइनस बाहर, तो μ0 बाई 4π ये m बाहर, ये क्या होगा? dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक? तो देखेंगे इसको अनंत से लेकर के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएंगे
तो शुरुआत में ये दूरी कितनी है अनंत, अब बाद में ये दूरी कितनी हो गई आर, तो ये dx यानी जो वेरिएबल है यहाँ डिस्टेंस वेरिएबल है, तो शुरुआत में इन्फिनाइट दूरी पे था, शुरुआत में इन्फिनाइट दूरी था और बाद में कितनी दूरी पे आ गया तो आर दूरी पे आ गया, बाद में कितनी दूरी पे आ गया तो आर दूरी पे आ गया, तो ये इन्फिनाइट टू आर, ये माइनस म्यू नोट बाई फोर पाई एम डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस वन बाय एक्स। अच्छा किसी को अगर कष्ट हो कि सर ये इंटीग्रेशन कैसे हो गया, तो इंटीग्रेशन का थोड़ा सा रूल बता दें, एक्स पावर एन डी एक्स होता था तो जितना पावर है उस पर एक और ऐड हो जाता था, उसी से हम डिवाइड भी करते थे, और यहाँ क्या है वन बाय एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स पावर माइनस टू डी एक्स लिख सकते, तो एक्स पावर माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन ये कितना हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, किस फार्मूले से यहाँ तक आता हमने बता दिया। अब देखिए माइनस को बाहर लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो म्यू नोट अपॉन फोर पाई एम और ये वन बटे एक्स, ये इन्फिनिटी और ये आर। तो देखिए यहाँ वेरिएबल क्या था एक्स, एक्स वेरी कर रहा था कहाँ से कहाँ तक, तो शुरुआत में ये इन्फिनाइट दूरी पर था, बाद में कितनी दूरी पर आ गया आर पे, शुरुआत में ये इन्फिनाइट दूरी पर था बाद में कितनी दूरी पर आ गया तो आर दूरी पर। अब हम बात करेंगे वेरिएबल एक्स है, एक्स के जगह एक बार अपर लिमिट, एक्स के जगह एक बार क्या लिखेंगे अपर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू म्यू नोट बाई फोर पाई एम और एक्स के जगह अपर लिमिट तो वन बटे आर माइनस एक्स के जगह लोअर लिमिट तो वन बटे इन्फिनिटी तो डी डब्ल्यू तो म्यू नोट बटे फोर पाई ये एम ये वन बटे आर, वन बटे इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, ये म्यू नोट बटे फोर पाई ये हो जाएगा एम बटे आर। अच्छा जितना किया गया कार्य है, जितना किया गया कार्य है इसी को तो हम चुंबकीय विभव कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं चुंबकीय विभव, तो भी इक्वल टू क्या होगा मी नोट बाई फोर पाई एम बटे आर, भी इक्वल टू क्या होगा मी नोट बाई फोर पाई एम बटे आर, ये रहा हमारा चुंबकीय विभव। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टेट में ये केबल आता था वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, तो ये चुंबकीय विभव था। अब चुंबकीय विभव किसी द्विध्रुव की वजह से अगर हम किसी पॉइंट पे देखना चाहेंगे तो कितना होगा, तो उसके लिए भी हम बात करते हैं आगे। अब देखेंगे जिस ध्रुव प्रबलता की वजह से विभव निकालना है उस ध्रुव प्रबलता का मान और जितने दूरी पर विभव निकालना उन दोनों के बीच की दूरी से डिवाइड था और ये कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट का टर्म हमेशा लगेगा एयर या वैक्यूम के लिए, ये एयर या वैक्यूम के लिए इसका मान भी फिक्स होता था जो 10 पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर हमने बताया भी है। अब हम इसी से रिलेटेड एक सवाल देखेंगे, पुनः एक बार इसको हम रिपीट कर लें। जैसे मान लीजिए एम ध्रुव प्रबलता था, इसकी वजह से इस पी बिंदु पर चुंबक का विभव निकालना था, इन दोनों के बीच की दूरी आर था, तो चुंबक के विभव को भी हम भी से ही डिनोट करते थे कि कितना आया था कांस्टेंट के रूप में म्यू नोट बाय फोर पाएगा। जिस ध्रुव प्रबलता की वजह से विभव निकालना है इस ध्रुव प्रबलता का मान और इसके वजह से जिस बिंदु पर विभव निकालना दोनों के बीच की दूरी से डिवाइड हो जाता, यह है चुंबक के विभव। एक चीज़ और, अगर धन ध्रुव प्रबलता होता तो उसके लिए विभव धनात्मक, अगर ऋण ध्रुव प्रबलता होता तो उसके लिए विभव ऋणात्मक, तो धन ध्रुव के लिए विभव धनात्मक ऋण ध्रुव के लिए विभव ऋणात्मक होगा। तब हम एक सवाल करते हैं इस पर, जैसे आपको बोलेगा किसी छड़ चुंबक के अक्षीय स्थिति पर चुंबक के विभव ज्ञात करें, तो आप क्वेश्चन लिख लेंगे एक किसी छड़ चुंबक के कारण इसके अक्षीय स्थिति पर चुंबक के विभव ज्ञात करें, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पोजीशन और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस या 10A पोजीशंस, तीनों नाम एक ही है, एक्सियल पोजीशंस बोल दें, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस बोल दें, या इसी को एक और नाम से इंडॉन पोजीशन भी कहा जाता है। सारा क्वेश्चन मतलब जिसको हिंदी में लिखना है तो एक ही लाइन कह देंगे, छड़ चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति पर चुंबक के विभव का मान ज्ञात करें, या इसी को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं जिसको अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ये क्या, ये एक छड़ चुंबक है, इसी को अंग्रेजी में बार मैग्नेट कहते हैं, बार मतलब छड़ होता, तो ये एक छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक का ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। तो एक काम करते हैं, चूँकि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में हम बताए थे चुंबक के द्विध्रुव आघूर्ण में, हमेशा चुंबक के द्विध्रुव का जो दिशा होता है ये साउथ से नॉर्थ तरफ मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ये माइनस एम और ये एक प्लस एम, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये द्विध्रुव है, ये इसका अक्ष है, ये क्या है क्षण चुंबक का एक अक्ष है। अक्ष के कारण इसी अक्ष के किसी एक बिंदु पर, जैसे मान लें ये एक बिंदु P है, इस P बिंदु पर पूछेंगे बताओ कि अक्षीय स्थिति पर चुंबक के विभव क्या है, तो देखेंगे क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट पे ये अक्ष है, अक्ष के लाइन पे कोई एक बिंदु है जिसको अक्षीय स्थिति कहते हैं, जिसके मिड पॉइंट यानी ओरिजिन से इस पॉइंट P के बीच की दूरी कितनी है r, इस पॉइंट P के बीच की दूरी कितनी है r, अब देखेंगे साउथ पोल और मिड पॉइंट के बीच की जो दूरी है ये दूरी को हम क्या कर लेते हैं l, और ये ओरिजिन और नॉर्थ पोल के बीच की भी दूरी क्या है ये भी है l, तो ये भी है l और वो भी है l, यहाँ मतलब ये मिड पॉइंट से समदूरस्थ होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों समदूरस्थ होता है यानी समान दूरी पर स्थित होता, समान दूरी पर स्थित होता, तो ये हमेशा याद रखेंगे चुंबक के द्विध्रुव जो है वो मिड पॉइंट से साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों समान दूरी पर स्थित होता है यानी समदूरस्थ होता। अब हम बात करें कि इस नॉर्थ पोल की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, इस साउथ पोल की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, ये जो चुंबकीय विभव है, चुंबकीय विभव इसी स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति या लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन या अंग्रेजी में टेन्यू पोजिशन भी कहते हैं। तो इस द्विध्रुव के वजह से इस पॉइंट पी पे हमको चुंबकीय विभव निकालना है, तो चुंबकीय विभव निकलेगा कैसे, इसके लिए हम क्या करते हैं एक बार नॉर्थ पोल की वजह से चुंबकीय विभव निकाल लेते हैं, एक बार साउथ पोल की वजह से चुंबकीय विभव निकाल लेते हैं, और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, जितना आने का होगा वो परिणामी चुंबकीय विभव होगा। तो हम लेट करके लिखते हैं, लेट मतलब होता माना, क्या क्या माना, तो O से S और O से N, चूँकि ये समदूरस्थ है दोनों के बीच की दूरी को समान दूरी माने तो L, और O से S और O से N L है, तो O से P यानी इसके मिड पॉइंट से पॉइंट P के बीच की जो दूरी है ये R है, तो नॉर्थ पोल से कितनी दूरी हो जाएगी, तो नॉर्थ पोल से पॉइंट P के बीच की जो दूरी होगी ये R माइनस L, और साउथ पोल से जो होगा R प्लस L, R प्लस L, देखेंगे ये मिड पॉइंट से दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक का L है, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस L, O से P के बीच की दूरी R, N से P के बीच की दूरी कितनी, तो N से P की दूरी R माइनस L, और S से P के बीच की दूरी कितना तो R प्लस L। तो एक बार उत्तरी ध्रुव के कारण P बिंदु पर हम चुंबकीय विभव निकालते हैं, लिखते हैं उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण P बिंदु पर, P बिंदु कहाँ है अक्षीय स्थिति है, तो P बिंदु पर चुंबकीय विभव, ये जो विभव आएगा विभव को हम लोग भी से डिनोट करते हैं लेकिन यहाँ भी वन लिख देंगे क्योंकि उत्तरी ध्रुव की वजह से निकला, तो उत्तरी ध्रुव धन ध्रुव है तो इसकी वजह से म्यू नोट बाय फोर पाए एम, अच्छा जिस ध्रुव प्रबलता को जैसे विभव निकला उस ध्रुव प्रबलता का मान, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है तो आर माइनस एल, यहाँ क्या हो जाएगा आर माइनस एल। अब दक्षिणी ध्रुव के कारण अगर पी बिंदु पर हम डॉट मार देते हैं, आप लोग एग्जाम में डॉट नहीं मारेंगे पूरा शब्द में लिखेंगे दक्षिणी ध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युतीय विभव, ये विभव को भी टू से डिनोट करेंगे क्योंकि धन ध्रुव की वजह से विभव धनात्मक आया, यहाँ ऋण ध्रुव, तो ऋण ध्रुव की वजह से विभव ऋणात्मक होगा, माइनस म्यूनोट बाई फोर पाए एम डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी तो आर प्लस एल, ये विभव है। अब परिणामी विभव अगर हम बात करें, परिणामी विभव तो रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा, परिणामी विभव तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 प्लस V2, तो V1 कितना तो म्यू नोट बाई फोर पाए एम डिवाइडेड बाय आर माइनस एल, प्लस की जगह प्लस और ये माइनस म्यू नोट बाय फोर पाए ये एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एल, तो प्लस गुना माइनस माइनस तो म्यू नोट बाय फोर पाए एम डिवाइडेड बाय आर माइनस एल, और ये माइनस म्यू नोट बाय फोर पाए एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एल, इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो म्यू नोट बाय फोर पाए एम, और ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय आर माइनस एल, और ये माइनस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस एल। अगर हम बात करें भी इक्वल टू कितना तो म्यू नोट बाय फोर पाए ये एम, और ये वन डिवाइडेड बाय आर माइनस एल, ये वन डिवाइडेड बाय आर प्लस एल,
तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना होगा ए प्लस बी और ये माइनस ए माइनस बी इस तरीके से। तो ये म्यू नोट बाय फोर पाई, ये एम और ये आर प्लस एल, प्लस गुना माइनस तो माइनस, ये प्लस तो आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, चूँकि माइनस गुना माइनस प्लस, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू नोट बाय फोर पाई एम डिवाइडेड बाय ये टू एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और, ये एल जो है ये मिड पॉइंट से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी अगर नगण, कोई जरूरी नहीं कि बार मैग्नेट में ये एल छोटा ही हो, लेकिन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में ये एल छोटा होता था तो एल स्क्वायर लगभग इक्वल टू हम जीरो कर देते थे। अगर यहाँ भी एल काफ़ी छोटा हो, यानी काफ़ी छोटा वैल्यू हो, एक से कम वैल्यू हो, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो नेगलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है मैग्नेट के केस में ये एल छोटा ही हो, इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक डायपोल का केस होता था वहाँ सर्टेन है कि एल का वैल्यू छोटा ही होता था। यहाँ बार मैग्नेट है, मैग्नेट का साइज बड़ा भी हो सकता, तो एल छोटा होगा तो एल स्क्वायर लगभग इक्वल टू जीरो कर देंगे, अदरवाइज नहीं होगा तो हम इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, यहीं ला के छोड़ देंगे। तो टू एम एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर लगभग इक्वल क्या हो गया जीरो। अच्छा 2ml को हम कहते क्या था, कैपिटल M, यही चुंबक के आघूर्ण था, चुंबक के आघूर्ण था, तो ये म्यू नोट बाय 4 m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये इतना छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए l स्क्वायर लगभग इक्वल टू जीरो नहीं हो तो यहाँ m बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर ही रह जाएगा। अब हम अगले केस में बताएंगे कि इस द्विध्रुव की वजह से, यानी इस छड़ चुंबक की वजह से निरक्षीय स्थिति पर, यानी इक्विटोरियल पोजीशन पे, या इसी को टेन बी पोजीशन कहते हैं, इसी को हिंदी में अनुप्रस्थ स्थिति या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन कहते हैं, उस बिंदु पर विद्युतीय विभव कितना होता वो हम अगले दिन बात करेंगे। अब अगले दिन हम इसी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का भी चर्चा करेंगे। चलिए आज भर इतना ही।